ओ माय गुडनेस, द केरला स्टोरी को लेकर एक ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है जो मुझे लगा कि मुझे आपसे ज़रूर ज़रूर शेयर करनी चाहिए। उसके अलावा द केरला स्टोरी कल यानी 12 मई को ओवरसीज़ में रिलीज़ होने जा रही है, तो कौन कौन सी ये कंट्रीज़ हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं, और साथ में हम लोग बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स से। अगर हम इसकी कलेक्शंस को एक बार कंपैरेटिव एनालिसिस करके देखते हैं, पूरे जो 6 दिन हैं, जो शुरू के 6 डेज हैं, वो एनालिसिस अगर मैं आपको करके बताती हूँ तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि एक्चुअली द केरला स्टोरी किस तरफ जा रही है और कितने दिन में ये अपना 100 करोड़ का मार्क पूरा कर लेगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करती हूँ मैं उस न्यूज़ की जो अभी से थोड़ी देर पहले ही ब्रेक हुई है। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं हमारे देश में जहाँ पर इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है और अब इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है। जी हाँ, हरियाणा में भी द केरला स्टोरी को पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि आप बहुत सब्सिडाइज्ड रेट पर इस फिल्म को जाकर इंजॉय कर सकते हैं। पहले भी इस फिल्म का टिकट प्राइस बहुत ज़्यादा नॉमिनल था, लेकिन टैक्स फ्री होने के बाद ये और भी ज़्यादा कम हो चुका है। तो कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं अभी इस वक्त इंडिया में जहाँ पर द केरला स्टोरी इज़ रनिंग टैक्स फ्री? इनमें सबसे पहले नाम आता है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप सारे जितने भी सिटीज़ हैं आप आराम से इस फिल्म को टैक्स फ्री देख सकते हैं। उसके बाद उत्तराखंड में आप इसको देख सकते हैं, उसके बाद द नेक्स्ट इज़ मध्य प्रदेश, और फाइनली अब हरियाणा सरकार ने भी ये निर्धारित किया है, आज तय किया है कि इस फिल्म को पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर दिया जाए। तो 2 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इसको बैन भी कर दिया है। तो ये बहुत हिस्टोरिकल है देखने में कि जहाँ एक तरफ तमिलनाडु और कोलकाता में ये फिल्म जो है पूरी तरीके से बैन हो चुकी है और दूसरी तरफ 4 स्टेट्स में ये टैक्स फ्री हो चुकी है। सो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ यू नो दिस इज़ नेवर सीन बिफोर कि कहीं पर हमने ऐसी चीज़ें नहीं होती हुई देखी जो एक फिल्म को लेकर जो मुख्य धारा है, विचारधारा है लोगों की, उससे जुड़ती हुई, और साथ साथ में हमने ये भी नहीं देखा है कि इतने बैन होने के बावजूद या इतने यू नो कॉन्ट्रोवर्सी होने के बावजूद भी इसके पास स्क्रीन काउंट्स की, बहुत शोज़ की कमी नहीं है। दिनों दिन घंटों में इसके जो शोज़ हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मैंने अभी आज दोपहर का भी डेटा मेरे पास है, लेकिन मैं आपसे पूरा डाटा जो शाम को मैं आपसे शेयर करती हूँ कलेक्शन का, मैं वो शेयर करूँगी क्योंकि उसमें हमारे पास सारी ऑक्यूपेंसीज आ जाएंगी। वैसे अब तक बहुत धमाकेदार कहानी चल रही है, अब तक बहुत अच्छा रिपोर्ट चल रहा है, जैसे मॉर्निंग में एक्सपेक्टेड था वैसा ही कुछ दिख रहा है। साथ साथ में मैंने आपसे बात किया है कि ये कल से ओवरसीज में यानी कि वर्ल्ड वाइड ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। तो जब अब इसका कलेक्शन आया करेगा जो मैं आपसे शेयर करूंगी, मैं कोशिश करूंगी उसमें मैं ओवरसीज कलेक्शन भी ऐड करके बताऊं ताकि जो फाइनल नंबर हो वो आपको पता चले, जिसमें ग्रॉस वर्ल्ड वाइड जिस नंबर की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? पूरी 37 प्लस कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर द केरला स्टोरी जो है वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दी जाएगी कल से। तो कल ये जो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी मेरे पास लिस्ट है, जैसे मेन कंट्रीज़ हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, इज़ US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड समेत जितनी भी प्राइम जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पर वर्ल्ड वाइड रिलीजेज़ होती हैं वहाँ पर इस फिल्म को पूरी तरीके से रिलीज़ किया जाएगा। US में तो भरमार है, US में, कैनेडा में, मतलब इट इज़ अ मेहम। मैंने जो पूरी लिस्ट देखी वो पूरी की पूरी मैं बोल भी नहीं सकती, इतने सारे थिएटर्स हैं जहाँ पर ये फिल्म जो है कल रिलीज़ हो जाएगी। इसी के साथ जैसे मैंने बोला द कश्मीर फाइल्स के, हम लोग इसके साथ आपको एक आंकलन आपको पता लग जाएगा कि भाई दोनों में अभी कितना डिफरेंस है और कौन सी फिल्म जो है आगे चल रही है, कौन सी फिल्म जो है कितने दिन में, जैसे कश्मीर फाइल्स है तो ऑलरेडी कर ही लिया है, लेकिन द केरला स्टोरी जो है कितने दिन में उस आंकड़े तक पहुंचती हुई नजर आती है। तो एक मैं आपको शुरू के 6 दिन का बता देती हूं। सो डे नंबर 1 पे द कश्मीर फाइल्स ने, जो कि रिलीज हुई थी 11th of March 2022 को, ठीक है, द कश्मीर फाइल्स ने डे 1 पर बिजनेस किया था 3.55 करोड़ इंडिया नेट बिजनेस, वर्सेस द केरला स्टोरी ने डे 1 पे ही बहुत बड़ा धमाकेदार बिजनेस किया एंड दैट वाज 8.03 करोड़ डे 1 पर द केरला स्टोरी डिड इट। ठीक है, उसके बाद डे 2 पर द कश्मीर फाइल्स का बिजनेस था 8.5 करोड़ और द केरला स्टोरी का डे 2 पर बिजनेस था 11.22 करोड़। उसके बाद डे 3 पर एकदम से द कश्मीर फाइल्स ने जंप मारा था 15 करोड़ पर पहुंच गया था बिजनेस, और द केरला स्टोरी का भी यही हाल हुआ, 16.40 करोड़ पर ये फिल्म ने तीसरे दिन पर बाजी मारी थी। उसके बाद डे 4 पर भी द कश्मीर फाइल्स ने एक बहुत बड़ा नंबर सिक्योर किया था, दैट वाज 15.05 करोड़। यहाँ पर आकर मंडे को आकर द केरला स्टोरी ने थोड़ा सा वो जो एक्चुअली जो चाहिए था पंप उतना नहीं रहा, लेकिन उससे बहुत अच्छा रहा, दैट मींस 10.07 करोड़ पर मंडे को ये फिल्म ने बिजनेस किया था। उसके बाद डे 5 18 करोड़ एकदम से और बड़ा उछाल मारा द कश्मीर फाइल्स ने। कश्मीर फाइल्स का
बहुत ही अच्छा रिपर्टॉयर रहा, क्योंकि जिस तरीके से 8 करोड़ से फिर 15 करोड़, फिर उसके अगले दिन डे नंबर 4 पर भी 15 करोड़ हुआ, और उसके बाद डे नंबर 5 पर 18 करोड़ का एकदम से जंप मारा। वो चीज़ हमको यहाँ पर द केरला स्टोरी वाले केस में मिसिंग दिख रही है इस वक्त, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो डे नंबर 5 पर द केरला स्टोरी ने बिजनेस किया 11.14 करोड़ का, और डे नंबर 6 पर द कश्मीर फाइल्स ने और बड़ा जंप मारा, दैट वॉज 19.05 करोड़, एंड द केरला स्टोरी सिक्योर्ड 12 करोड़ ऑन डे नंबर 6। विद दैट डे नंबर 6 का द कश्मीर फाइल्स का टोटल हो गया था 79.25 करोड़ वर्सेज द केरला स्टोरी का जो बिजनेस 6 डेज का टोटल अब तक रहा है, दैट इज 69 करोड़। तो सिर्फ 10 करोड़ का डिफरेंस अभी चल रहा है, और आज हो सकता है अगर बहुत बंपर कलेक्शन आ गई तो मुझे लगता है वो कश्मीर फाइल्स को पीछे छोड़ जाएगी द केरला स्टोरी। बट हाँ, द कश्मीर फाइल्स वॉज ऑन अ हायर कलेक्शन, यू नो थिंग। तो कश्मीर फाइल्स वाली जो कलेक्शन है उसको बीट करने के लिए थोड़ा और बकलअप करना पड़ेगा द केरला स्टोरी को। बट येस, आई थिंक दिस इज अमेजिंग टू सी कि इतना अच्छा कलेक्शन आ रहा है, बावजूद इसके अगर हम इस कंपैरिजन को साइड रख देते हैं तो बहुत 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 ज़्यादा इंप्रेसिव बिजनेस आ रहा है। बड़े बड़े ट्रेड पंडित्स सब पकड़ के बैठे हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है, लेकिन जनता की पावर से हो रहा है, सीधी सी बात यह है। सो लेट्स सी शाम को क्या कलेक्शन आती है, शाम को क्या ये जो डिजायर्ड जंप है वो मिल पाता है या नहीं। नहीं तो वीकेंड आ ही रहा है, वीकेंड पे तो ऑलरेडी बहुत जल्दी से 100 करोड़ तक ही आराम से क्रॉस करेगी, और कल का ओवरसीज का क्या कलेक्शन रहेगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल ऑफ दैट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड